विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि हेमंत सरकार का बजट जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता काफी निराश है। यह बजट जनहित के लिए नहीं बनाया गया। चुनाव पूर्व हेमंत सरकार ने जनता से जो भी वादा किया था उसमें से एक भी योजना लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार सिर्फ एक ही काम कर सकती है कि भाजपा सरकार के काम का फीता काट कर अपनी पीठ खुद थपथपा सकती है, लेकिन आम जनता यह समझ चुकी है कि हेमंत सरकार में जनता का कोई काम नहीं हो सकता। यह सरकार सिर्फ अपने मंत्री विधायक का विकास करने को ही झारखंड का विकास समझती है। उन्होंने कहा कि इनका सारा खेल जनता समझ चुकी है, दोबारा जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। भाजमो गढ़वा जिला अध्यक्ष रितेश चौबे ने कहा कि हेमंत सरकार का बजट से युवाओं में काफी निराशा हुआ है। झारखंड में युवाओं के लिए हेमंत सरकार ने कोई योजना नहीं बनाया है। हेमंत सरकार के बजट में रोजगार सृजन की कोई योजना नहीं है। गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड में नौकरी के लिए युवाओं का भारी संख्या में पलायन हो रहा है। युवा रोजगार के लिए सड़क पर भटक रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार सिर्फ वादा पर वादा कर युवाओं को रोजगार के नाम पर छलने का काम किया है। झामो सरकार में जनता त्राही माम कर रही है। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विवेकानंद तिवारी, भाजमो जिला मंत्री शिवम भरद्वाज, आईटी सेल संयोजक अनिमेश दुबे, भाजमो भंडारिया मंडल अध्यक्ष अनिल केसरी, रमकंडा मंडल अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा सहित अनेक कई लोग मौजूद थे।